इस सीरीज़ में हम बात करेंगे दुनिया भर के पुराने रोडों के बारे में, पुराने हाईवे जो हुआ करते थे। जब रोड नहीं बनी थी तो कुछ प्रकार के पुराने हाईवे रहे होंगे, मिट्टी के, पत्थर के, किसी प्रकार का एक कंस्ट्रक्शन रहा होगा जो बताता होगा कि इस शहर से उस शहर में कैसे जाया जाए। तो जो दो शहर के बीच में, जो दो बड़े बड़े शहर होंगे उस टाइम के, मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन है जो आजकल के इराक में पाया जाता है। तो होता क्या है, मिडिल ईस्ट में ईरान इराक सीरिया और टर्की, ये चार देश में से दो नदियां बहती हैं इनमें, स्पेशली इनमें से दो नदियों में से के आसपास सिविलाइजेशन की काफ़ी मात्रा देखी गई है, जिसे हम आजकल के वेस्टर्न माइंड के हिसाब से हम देखते हैं कि वे इसी को सबसे पुराना सिविलाइजेशन कह देते हैं, जो कि इन दो नदी के किनारे हुआ था। इन नदी के नाम हैं यूरेटस और टाइग्रस। ये अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में नाम कुछ और है, वो मैं बता दूंगा। तो इस टाइप के जो एम्पायर था, जो कि टर्की से बहने वाली नदी सीरिया के रास्ते इराक में से होते हुए नीचे के सागर में गिर जाती थी, उस पर जो शहर हैं पुराने, उनको वेस्टर्न थिंकर्स ने सोचा है कि पाया है कि यही सबसे पुराने शहर थे। तो अब इन्हीं से देखा जाए, एक ये सिविलाइजेशन मानते हैं वे और दूसरा सिविलाइजेशन मानते हैं वे रहा होगा उस टाइम पे सिंध नदी पे, जिसे वे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, और मेसोपोटामिया हड़प्पा और इजिप्शियन, और जो कि इजिप्ट में है, मिस्र देश में जो नदी बहती है नील नदी, इंग्लिश में नाइल नदी कहते हैं, उसके पास के सिविलाइजेशन को वेस्टर्न थिंकर्स ने पाया कि ये सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। तो तीन पॉइंट हो गए, एक इजिप्ट में, एक इराक में, एक पाकिस्तान में, ये तीन सबसे पुराने नदियों के समूह हैं। तो इसमें से सिंध नदी आती है हिमालय से, हिमालय और हिंदू कुश जो पहाड़ियां हैं उनके से आती है। तो हिमालय और हिंदू कुश से आने वाली यही इकलौती नदी नहीं है सिंधु नदी, इसके अलावा गंगा नदी और यमुना नदी का भारत में, जिसका यूपी बिहार बंगाल जिससे बनता है, वो एक पूरा एरिया है जो इन दो नदी के किनारे बसा था। और इनके अलावा एक हिमालय में भी, हिमालय का जो दूसरा हिस्सा है जो नॉर्थ की तरफ जाकर चाइना में एक नदी, दो नदियां बनाता है, और वो नदियों के हिस्से भी काफ़ी पुराने हैं। तो हम देख सकते हैं इस बातों से कि नदियों के किनारे सिविलाइजेशन बनने की जो आदत है वो बहुत पुरानी है, और आज भी सबसे बड़े बड़े शहर, चाहे तुम्हारा लंदन हो या न्यूयॉर्क हो या फिर दिल्ली हो, मुंबई हो, जो भी जितने भी बड़े सिविलाइजेशन है, जैसे कि सबसे बड़े पॉपुलेशन डेंस जो एरिया है जहाँ पॉपुलेशन दिखती है वो नदी के किनारे ही दिखती है आज भी, क्योंकि नदियों के किनारे सफाई करने में, पानी की समस्या और किसी प्रकार के इंडस्ट्रियल वर्किंग में भी आज भी काम आता है। और पहले के जो काम हुआ करते थे, एग्रीकल्चर करना, सुबह नहाना, पशुओं को पानी पिलाना, और इन्हीं काम के लिए भी नदी काम आती थी। तो हम बात कर रहे थे सड़कों की, इनके बीच के हाईवे की। यदि ये तीन सिविलाइजेशन रहे होंगे तो तीनों के बीच में कनेक्शन भी रहा होगा। उस कनेक्शन के लिए हम उस टाइम पे एम्पायर से एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। तो जो हम रोड की बात करने वाले हैं, वो रोड होने वाली है हमारी एक रोड, जिसके बारे में हम कहते हैं रॉयल रोड कहा जाता है जिसको, वो रॉयल रोड यूरोप के, टर्की के दक्षिणी छोर से ईरान को मिलाती थी। तो टर्की के दक्षिणी छोर से पहाड़ों के रास्ते होती हुई सड़क सीरिया में आती है, और जहाँ से वो नदी के साथ साथ चलती है कुल मिला के ये सड़क। वे नदियाँ कौन सी है जिनका मैंने अभी नाम बताया था, टाइग्रस एंड यूरेथस। तो ये रोड क्या काम आया करती थी, ये हाईवे जो दो बड़े बड़े सिविलाइजेशन के बीच में होते थे, क्या काम आया करते थे। तो इनका पहला काम हुआ करता था
आई थिंक लड़ाई करना सबसे बड़ा काम होता था लड़ाई करने के लिए, किस एरिया में कैसे जाना है, क्योंकि कॉरपोरेशन पहले बच्चा जो होता है वो छीनना जानता है, कॉरपोरेशन एक दूसरे की सहायता करना वो लेट सीखता है जो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक सिविलाइजेशन, जब वो छोटा था सिविलाइजेशन तो क्या था, उस सिविलाइजेशन में वो लड़ाई करता था बारबेरिक तरीके से, वो दूसरे पे हमला करते थे, उनका सामान ले लिया करते थे। पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ा तो हमने सीखा कॉरपोरेशन नाम की एक चीज़ है, एक दूसरे से हम सहायता करके चीज़ें ले सकते हैं। तो वह यही हाईवे फिर मर्चेंटाइज के काम आए, बोले तो बिजनेस पर्पज़ के काम आए यही हाईवे, जो पहले वॉर के लिए काम आते थे। तो इन हाईवे में सबसे बड़ा हाईवे है जिसे हम कहते हैं रॉयल रोड। रॉयल रोड नाम इसका पर्शियन एम्पायर ने दिया, जो कि आज से 2000 साल पहले हुआ करता था, पर इस रोड का जिक्र कम से कम 5000 साल पुराना है, जब सुमर एम्पायर यहाँ हुआ करता था। सुमर एम्पायर इन दो नदियों के से बनने वाले मैदान पर राज किया करता था, और सुमर के साथ राज करते थे आकेडियन और टर्की में कुर्दिश पीपल, जो आज भी अवेलेबल है, और ISIS के कुर्दिस्तान एरिया को बनाने के लिए वे आज भी लड़ रहे हैं। तो जब देखा जाए तो कुर्दिस्तान को और नीचे के सुमर लोगों को मिलाने के लिए ये रोड बनाई गई, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखा जाए तो ये ग्रीस से कनेक्ट करती है, ये टर्की एशिया का लास्ट हिस्सा है, और टर्की के बाद यूरोप जब स्टार्ट होने लगता है तो वहाँ से ये रोड स्टार्ट होती है, और ये जाती है नीचे डायरेक्ट सुमर के एरिया से होते हुए ईरानियन एम्पायर में। तो ये रॉयल रोड ने चार कंट्री कवर कर लिया, टर्की, सीरिया, इराक और ईरान। अब यदि हम बात करें दोनों ओर, तो दो एम्पायर हैं हमारे पास, और एक है इजिप्शियन एम्पायर जिसमें नील नदी के किनारे हाईवे हैं, वो नील नदी जहाँ से भी आती है ऊपर के पहाड़ों से, वहाँ से लेके जहाँ पर मिलती है वहाँ तक है। उसके अलावा इजिप्शियन लोगों ने, जो कि आज से 5000 साल पहले के ही लोग हैं, जो सुमर के समय पर थे, उन्होंने पिरामिड बनाया था। पिरामिड को बने हुए 4500 साल हो चुके हैं, तो उससे भी पहले के जो लोग थे, पिरामिड बनाने से पहले के भी लोग थे, वे ऊपर के लेबन, ऊपर के जहाँ इज़राइल की आज जिससे लड़ाई है, वेस्ट गाज़ा पलिस्तीन से, पलिस्तीन पीपल रहा करते थे वहाँ, कोई इज़राइल देश नहीं था पहले, तो पलिस्तीनियन में रहा करते थे। इज़राइल एक जुड़ा इसके छोटा सा एक एरिया रहा होगा, बट पलिस्तीन एम्पायर हमेशा से था। तो इजिप्शियन भी ये बताते हैं, हमारे मिस्र के लोग भी अपने किताबों में वर्णन करते हैं कि कैसे वे ऊपर से परफ्यूम लाया करते थे, बोले तो सुगंध इत्र लाया करते थे। इत्र के दो स्थान बताए गए हैं, एक सऊदी अरेबिया में, जो गुजरात से जाकर, जहाँ से कोस्ट लगता है गुजरात से, नाव जाया करती थी, और वहाँ से नाव में और ऊपर मिस्र के तक सामान पहुँचाया जाता था। यदि बात कंफर्म है तो हमारे पास दो रोड मिलती है, एक किंग्स रोड, एक रॉयल्स रोड। किंग्स रोड चलती है इजिप्ट से लेकर, पलिस्तीनियन से लेकर, सीधा सीधा ऊपर जाकर, वो भी मिस्र के यूरोप में मिलने की ट्राई करती है, और वो किंग्स रोड पर मिलती है, या फिर उसके अलावा पैरेलल रोड चलती होगी उसके साथ में, जो कि यूरोप तक जाती है। ये दो रोड यूरोप के लिए हो गई। अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा था। तो इंडिया की बात करने से पहले, जो वेस्टर्न कल्चर जो जिसे अलाउ करता है बात करने की, वो है सिंध। तो सिंध की बात करते हैं, तो सिंध के हाईवेज़ की बात करते हैं। यदि सिविलाइजेशन था तो हाईवे भी थे, तो जो हमारा जो सिविलाइजेशन है वो भी इसी समय का है सिंध का, आज से 5000 साल पुराने की। वेस्टर्न हाँ भरते हैं कि 5000 साल पहले यस सिंध में सिविलाइजेशन था, जिसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। और जस्ट लाइक इजिप्शियन एम्पायर और बेबीलोनियन एम्पायर, तो हमारा सिंध एम्पायर भी एक जगह पे स्थित नहीं था,
वो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। जो नदियाँ हमारे कश्मीर से लेकर और पंजाब से लेकर चलती हुई नीचे की ओर आती है और महासागर में मिल जाती है। तो उस नदी के किनारे, ये नदी कम से कम 1000-2000 किलोमीटर लंबी है। पूरे 1000-2000 किलोमीटर पर सिविलाइजेशन के छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहर और सभी प्रकार की रोड देखी गई है। ये रोड, एक रोड के बारे में जिसका वर्णन है, वो जब महाभारत ख़त्म हो गई थी और वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था तो एक रोड हुआ करती थी जो कि पहले की होगी, पर उस वैदिक पीरियड में इसका वर्णन है, जो कि गुजरात तक सामान लेकर आती थी। गुजरात तक सामान क्या लाती थी? वो लाती थी अफ़गानिस्तान में निकलने वाले बेशकीमती पत्थर। उन कीमती पत्थर का नाम, ये नीले रंग के पत्थर होते थे जो कि अफ़गानिस्तान में ही पाए जाते थे। तो हम अभी इंडियन कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम रहेंगे इसी पर जिसको सबसे पुराना कहते हैं, मेसोपोटामिया पर। तो मेसोपोटामिया में जो रोड है वो मुझे पता लगा कि सरदस से जाती थी। सरदस एक टर्की का दक्षिणी छोर का एक शहर था। वो घूमते हुए सरदस नदी के किनारे लेती हुई और आसान रास्ता ढूंढती हुई मोजुल आती थी। मोजुल एक शहर है जहाँ आईएसआईएस अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम सुना होगा आपने काफ़ी। तो मोजुल आने के बाद वो जाती थी नदी के किनारे पर्शियन एरिया में, बेबीलोनियन को टच करती थी। बेबीलोन के सारे एरिया जितने भी थे सबको टच करते हुए पर्शिया के सुस्सा एम्पायर में आकर मिलती थी। ये रोड की लंबाई 2700 किलोमीटर है और इसमें मनुस्मृति में महाभारत में 2000 BC में वॉरियर कास्ट के खम्बोज किंगडम, नहीं ये यहाँ की बात नहीं है। फॉर बिजनेस पर्पस क्या काम आती थी रॉयल रोड? पहली बात तो काम आती थी बेटर कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल हो पाए अपनी प्रजा पर, वहाँ के कर वसूल करने में और ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने में ये काम आता था। और दूसरा कारण होता था एक दूसरे में बिजनेस कर सके, चीज़ों का आदान प्रदान करने में और सामान की ढुलाई करने में ये काम आता था। फॉर बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता था ये कारवाओं के लिए। कारवा वो होते हैं जो ऊँट पर चला करते थे 1000-2000 किलोमीटर, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइज रोड थी जिस पे ये ट्रैवल कर सकते थे और ये सीधी तुम्हें जहाँ पे जाना होता है वहाँ पे मिला देती है। और इसके अलावा इस पर कारवा पे सराय बनाए गए थे, उन सरायों का जिक्र ईरान इराक में आज भी सराय बने हुए हैं जो कि 1000 साल पुराने हैं। सीरिया में भी मिलते हैं और वे टर्की में भी मिलते हैं। इसे सराया नाम ये हिंदी से मिलता जुलता है, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी इसका कल्चर था कि सड़क के किनारे एक रुकने का होटल बनाया जाए, उस होटल को सराय कहते थे। जो होटल से और सराय में डिफरेंस ये होता था कि जो सराय होते थे उसके ग्राउंड फ्लोर में घोड़े और अपने ऊँट रखने की जगह होती थी, व्यवस्था होती थी, और ऊपर के पहले फ्लोर पर जाकर लोग रहा करते थे कमरों में। और एक होटल जो होता है उसमें ऐसा घोड़े रखने का स्थान नहीं होता, होटल शहर के अंदर होते हैं, वे अलग चीज़ होती है। कारवों के लिए जो सराय थे वे अलग होते हैं। तो ये और इसके अलावा क्या था, इस रोड पे गवर्नमेंट के बनाए हुए एक स्टेशन होते थे जो कि चेक पोस्ट का। इसके अलावा क्या होता था, एक चेक पोस्ट टाइप एक गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन या ऑफिस होता था जहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे हर समय। उनका काम क्या होता था कि यदि कोई मैसेज यूरोप से आया और टर्की तक पहुंचा है तो उस मैसेज को जल्दी से जल्दी फारस तक पहुंचाना, फारस की जो कैपिटल है सुस्सा और उस तक पहुंचाना। तो ये जो 2700 किलोमीटर का रास्ता है ये एक घोड़ा ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि वो थक जाएगा और भाग नहीं सकता। तो होता ये था कि कोई एक मैसेंजर होता था, वो मैसेंजर मैसेज को लेकर सेकंड चेक पोस्ट पर पहुंचाता था जहां एक और घोड़े के साथ सैनिक तैयार रहता था और उसको सैनिक वहां पर डिलीवरी करके 100-150-100 जितने भी घोड़े चेंज करना चाहे बीच के रास्ते में इतने करके वो मैसेज जल्दी पहुँच जाता था। तो 2700 किलोमीटर का रास्ता, तो कहते हैं कि एक दिन में या दो दिन में मैसेज पहुंचाया जा सकता था इस तरीके से। एक दो दिन तो नहीं पर 5-6 दिन में मैसेज जल्दी पहुंच जाता था, वो भी जल्दी है।
फ्रॉम द, फिर इसके अलावा क्या होता था, बैटल प्रिपरेशन में काम आता था, बैटल के लिए चेक पोस्ट पे वहाँ पर तुम लड़ सकते हो, यदि सामने आने वाली आर्मी आ रही है तो सड़क पे तुम्हारी तैयारी ज़्यादा अच्छी रहनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक बना था, तो ये बना था जहाँ यूरोप और एशिया जहाँ का आके मिलते हैं वहाँ से फारस के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है सुस्सा, उसकी जो कैपिटल थी, और एक और कैपिटल थी जो पर्सिपोलिस बोलते हैं इसको, ये फारस की दोनों राजधानी हुआ करती थी। एक और राजधानी का जिक्र है, वो तीसरी, पर वो भी पास में ही है। तो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में कोई भी राजधानी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में बनाएगा तो फारस के जो एरिया है ईरान में, आज भी एक डिस्ट्रिक्ट है उसको फारस से जाना जाता है, उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही था। तो ये रास्ता कहाँ कहाँ से जाता था, ये बगदाद से जाता था जो मेन सिटी थी वहाँ की उस टाइम पर, नहीं मेन सिटी तो नहीं पर बगदाद एक अच्छी सिटी थी, और उसके अलावा भी दो तीन अच्छे अच्छे शहर से जाता था। इसके और भी काम आता था, ये काम आता था रिवर क्रॉस करने के लिए, जो बड़ी बड़ी रिवर होती थी उन पे पुल बनाए गए थे उस टाइम पे, याद से बात हो रही है 2500 साल पुरानी, उस टाइम पे पुल बनाए गए थे नदी को, और ये टेक्नोलॉजी बहुत साल से है पुल बनाने की नदियों के ऊपर। ये भारत में भी बड़ी बड़ी नदियाँ रही हैं उन पर भी पुल बनाए गए हैं राजाओं द्वारा, और उनसे ही पार की जाती थी आर्मी। आर्मी नाव लेके नहीं आएगी बार बार, इतनी नाव चेंज करेगी, कितनी भी नाव अपने जो साथ लाएँ घोड़े हाथी वे सब एक्सचेंज नहीं कर सकते, नदी पार नहीं कर सकते नाव से। तो फिर पुल बनाए गए थे, कब बनाई गई थी ये हमेशा से, रोड हमेशा से बताया गया कि रोड हमेशा से ही थी यहाँ पे। ये तो बस 350 BC के अराउंड, जब फारस के राजा ने पूरा एम्पायर लिया था तो उसकी जो स्ट्रेटजी थी, फाइटिंग स्ट्रेटजी, तो वो इंडिया से मिलती जुलती थी, भारत से मिलती जुलती थी। तो उसने सड़क बनाने का, जैसे भारत में उत्तरपथ होता है उसी को कॉपी करने की ट्राई करी, और एक अच्छी खासी रोड जो शहर के बीचों बीच से, पूरे राज्य के बीचों बीच से निकलती है, वो बनाने का काम किया। कैसे बनी थी, तो वो बनी हुई थी ब्रिक्स से, ईंट बनाना सीख चुके थे उस टाइम के एम्पायर, और साइड में पेड़ों की एक कतार होती थी जो कि छाया देने का काम करती थी। ये मौसुल से जाती थी, बगदाद से जाती थी, जिनके बारे में आपको पता है। तो सामान क्या क्या ट्रैवल करते थे, इनके पास सामान होता था अधिकतर ट्रैवल करने के लिए, कपड़े, वेपन, और खान जो एग्जोटिक चीज़ होती है जो वहाँ पर नहीं मिलती वो कहीं और से आती थी। तो जैसे कि सामान में हम देख सकते हैं कि यूरोप से आने वाला जो सामान है वो होता था कॉपर और चांदी, वहाँ पर खाने होती थी काफ़ी, और इतना सिविलाइजेशन उधर इतना डेवलप नहीं था, इतने लोग नहीं थे जितने नीचे की तरफ हमारे मिडिल ईस्ट में और इंडिया में थे। तो ऊपर से सामान नीचे आता था, चांदी और कॉपर तांबे जैसा। और उसके अलावा जो ग्रीस का एम्पायर था, ग्रीक एम्पायर था और यूरोपियन एम्पायर में, उनमें ढाल का देखा होगा आपने, वे काफ़ी अच्छी ढाल बनाते थे। तो वे ढालें जो आर्मी के लिए काम आती थी, तो उस टाइम पे भी वेपन ख़रीदे जाते थे एक दूसरे स्टेट से, तलवार भी ख़रीदते थे फारस की, ग्रीस की, पर ग्रीस की तलवारों से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा कम से कम वहाँ ढाल आती थी, क्योंकि आपने देखा हुआ 300 मूवी में स्पार्टन्स की जो ढालें हैं वे फेमस थी। उसके अलावा आने वाली चीज़ें थी, फिरोजा एक शहर हुआ करता था ईरान का, वहाँ पर हरे रंग का एक फिरोज़ा एक पत्थर है जो नीले से हरे रंग का होता है, वो ईरान के निशापुर शहर में मिलता है जो कि अफ़गानिस्तान के बहुत पास है, और हैरत कैसे रास्ता उसका लगता है, काबुल, कांदार, देन हैरत, और हैरत के बाद जैसे ईरान में घुसते हैं तो वहाँ पर पड़ता है निशापुर शहर। उसका जो नीले से हरे रंग का जो पत्थर होता है वो इजिप्ट में पाया गया है, इजिप्ट की कब्र में पाया गया है, भारत में पाया गया है, और रास्तों के किनारे वो गिर जाया करता था, तो आज भी खुदाई करने पर वो पत्थर मिलता है जो कि ईरान से हमारा ट्रेड को दर्शाता है। उसके अलावा आने वाली चीज़ें लाजवर्त होती थी जो अफ़गानिस्तान की खानों में से निकलती थी, वो एक नवरत्न में से एक था और शुक्र ग्रह का प्रतीक था। अफगान में कोचका नदी की वादी से निकलता है, सरे संग पत्थर का स्थान उस खान का नाम है, और फारस में उस संस्कृत में उस शब्द को उष्ण कहते हैं, इसका मतलब मुझे नहीं पता, पर 7000 साल से वहाँ से पत्थर निकाला जा रहा है। वो इसी रास्ते से ट्रेड होकर यूरोप पहुँचता था, यूरोप में भी उसके पाया गया वो पत्थर के स्थान जो कि अफ़गानिस्तान के ही है। एक्सपोर्ट होता था इराक को, ईरान को, कारकस रीजन को, उत्तर अफ्रीका तक जाता था,
इजिप्ट के भी उधर इजिप्ट के भी वेस्ट में चले जाओ, नॉर्थ अफ्रीका तक उसके मिले हैं एविडेंस कि वो मिला है। फिरोजा के भी एविडेंस मिले हैं हमें, चाइना तक भी मिले हैं, फिरोजा एक्सपोर्ट हुआ करता था। फेरो की ज्वेलरी में मिल रहे हैं, कतना में, सीरिया में, लापो में, इटली तक मिले हैं वो सारी चीज़ें।